यदि जीवन में अधिकार के पक्ष है वो अज्ञानता के कारण है, और वही अज्ञानता कारण से हम भागे जाते हैं अंधविश्वास के पीछे। एक लोटा जल सब समस्या का हल ले जाके। देवेंद्र यादव जो यादव समाज के से आते हैं, देखे हैं कि वो विवादों में घिरे, ऐसे में यादव समाज का समर्थन उनको मिल रहा है जी। यादव समाज देवेंद्र यादव के समर्थन में है और सरकार से मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है, और ये शराब माफिया, ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, पैसे का झगड़ा हो रहा है, चाहे शराब में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे खदान में हो, सब जगह झगड़ा यही है, पैसा पैसा पैसा। अभी जेल में कौन है भाई? डेढ़ डेढ़ साल जेल में कौन है? किनके खिलाफ पुलिस लगी है? किनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है? किनके कोयला और शराब घोटाले में नाम है? उस लिस्ट को एक बार भूपेश जी सार्वजनिक कर तो दे भाई। तैमूर मयारू मन मोहना, तैमूर मयारू मन मोहना, कही मन के मन बसिया रे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। में योगेश और ब्लाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का समापन समारोह था राजनांदगांव में, और राजनांदगांव में दो जगह यादव समाज का कार्यक्रम हो रहा है। हम मौजूद है राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में, गांधी सभा गृह में, जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय है मुन्ना यादव जी। कार्यक्रम के बारे में बताइए, पुसरिया समाज के अध्यक्ष जी। आज नगर पुसरिया यादव समाज के तत्वाधान में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव दो दिवसीय आयोजन का आज समापन दिवस था, और इसमें आज हमारे जितना शिक्षा में, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, बहुत सारी विधा है, उसमें सम्मान का कार्यक्रम सामाजिक तौर पर रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इसके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे छत्तीसगढ़ पुत्रिया यादव समाज के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर राम अजय यादव जी थे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर महापौर हेमा देशमुख जी, कुलवीर छाबड़ा जी, नवाज खान जी, अशोक फडणवीस जी एवं जीतू मुदलियार जी, और तमाम हमारे वरिष्ठ नगर के साथ ही समाज से भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस साल का जो जन्माष्टमी महोत्सव कैसा निकला, क्या क्या कार्यक्रम पहले भी किए जा चुके हैं जी? जन्माष्टमी आयोजन में प्रथम दिवस जो होता है जन्माष्टमी के रोज कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा, जिसमें वार्डों से आई हुई तमाम झांकियां सारदादेव मंदिर के पास एकत्रित होती हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा जो है हर नगर के हर गली में शहर भ्रमण करती हैं, और सारदादेव में पुनः वो समापन करते हैं। विधानसभा में यादव समाज से एक भी मंत्री नहीं है, ऐसे में आप सरकार से कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं, क्योंकि यादव समाज का छत्तीसगढ़ में बहुत वर्चस्व है। यादव समाज छत्तीसगढ़ में द्वितीय नंबर पर है, और मैं चाहूँगा कि यादव समाज की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए, उनके हित के लिए एक यादव समाज की मंत्री पर पोस्ट देनी चाहिए। देवेंद्र यादव जो यादव समाज के से आते हैं, देखे हैं कि वो विवादों में घिरे, ऐसे में यादव समाज का समर्थन उनको मिल रहा है जी। यादव समाज देवेंद्र यादव के समर्थन में है, और सरकार से मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। देखा जा रहा है कि आज यादव समाज के दो कार्यक्रम है, एक कौसरिया समाज के द्वारा और दूसरा सर्व यादव समाज के द्वारा, तो क्या मतभेद का कारण बना कि दो जगह अलग अलग कार्यक्रम होने पड़े? मतभेद का वजह कुछ नहीं है, ये 35 वर्ष से कौसरिया यादव समाज राजनांदगांव संस्कारधानी में शोभा यात्रा, रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान कार्यक्रम रखा जाता है, जो यथावत हमारा जो आयोजन है वो यथा स्थिति है। आपके कार्यक्रम में कांग्रेसी जो मुख्य अधिकारी थे, उनके कार्यक्रम में बीजेपी, तो लोग देख रहे हैं कि एक बीजेपी कांग्रेस से बटा हुआ समाज जी, ऐसा नहीं है। राजनांदगांव संस्कारधानी है और उसमें पार्टी में बटा हुआ ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ अधिकतर जो अतिथि आते हैं, ये पुराने समय में भी, पिछले भी समय भी यथावत स्थिति बनी रहती है। कार्यक्रम में कितना मजा आया, क्या क्या किया? बहुत अच्छा लगा, ग्रुप डांस था, डांस करके बहुत मजा आया। आप लोग कौन सा डांस किए?
सी जी। कौन से गाने? सेवा जोहार लुका ले तोर चेहरा, लुका ले तोर चेहरा ला लाग जन ककरो नजरिया रे, तैमुर मयारू मन मोहना, तैमुर मयारू मन मोहना, तही मन के मन बसिया रे। धन्यवाद, जय माता। एक जीम का लोकार्पण और उसके बाद सामाजिक भवन का भी लोकार्पण और यादव समाज के जो शोभा यात्रा 5 दिन तक कार्यक्रम था उसमें आज अंतिम कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने में राजनांदगांव आया। दाऊ जी, कल कांग्रेस परसों बड़ा लगातार शहर में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेके राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश भर में कर रही है, बढ़ते अपराध के लिए। देखिए लगातार अब देखिए अब भिलाई में DPS स्कूल में 4 साल के बच्ची के साथ दुराचार हो जाता है और उसको इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसका प्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट के पास है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके चेयरमैन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिला पुलिस जो है वो रायपुर के दबाव में है और इस कारण से इस मामले को दबाया जा रहा है। उसी प्रकार से आए दिन आप देखेंगे, कल ही राजधानी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में गैंगरेप हो रहा है, रायगढ़ में हो गया, केसकाल में हो गया, लगातार गैंगरेप लगातार बढ़ रही है, हत्याएं और लूटपाट छुराबाजी ये सब लगातार, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब तो है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग बंटवारा के लेके झगड़ा वगड़ा हो रहे थे करके, ऐसे सुना हूँ मैं, किसी पेपर में पढ़ा हूँ, तो बंटवारे के लेके लड़ाई हो रही है। गांजे के मामले में अमित शाह जी बोल के गए हैं कि यहाँ गांजा का उपयोग दुगुना हो गया है और शराब कोचिया के मामले में तो ये स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पटेल ये धरसिंह विधानसभा के दोंदी कला गांव का रहने वाला है, शराब कोचिए लोग उसके घर में हमला कर दिए, वो विधायक के पास गए, पुलिस के अधिकारियों के पास गए, उसे कोई संरक्षण नहीं मिला बल्कि उसे हतोत्साहित किया गया और उसके बाद जब वो शिकायत करके वापस आया तब तक के वो शराब कोचिया फिर उसे घर में हमला कर दिया और बोले मैं सत्ता पक्ष होते हुए जब मेरी ये स्थिति है तो मेरे जीने कोई अर्थ नहीं है और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कल उसका संघात हुआ दुर्ग पुलिस और मैं आपके तीखे रोकी एक वाक्य में उत्तर दो तो जैसे आप लोगों की सरकार को भाजपा बार बार आड़े हाथों लेती शराब को मामले को लेके कि शराब को लेके लोग कसम खाए थे ऐसे खाए थे तो एक वाक्य में दो शब्द में क्या कहोगे जो अभी कर रहे शराब को लेके लोग? देखिए ये तो छत्तीसगढ़ है वो अपराधगढ़ बन गया है और ये शराब माफिया ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, पैसे का झगड़ा हो रहा है, चाहे शराब में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे खदान में हो, सब जगह झगड़ा यही है, पैसा पैसा पैसा, हाँ सबसे बड़ा रुपया। राजनांदगांव समाज की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी में समापन का कार्यक्रम हो रहा है, आपको बता देती हूँ शिक्षा अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आए थे, हमारे साथ मधुसूदन यादव जी है, आज समापन समारोह हुआ। सर्व यादव समाज की तरफ से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, 25 तारीख को बाइक रैली, उसके बाद 26 तारीख को विशाल शोभा यात्रा और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इसका समापन हुआ है। मैं समाज के समस्त पदाधिकारियों को, स्वजाति भाइयों को, बहनों को अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा कि सभी कार्यक्रम में उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया जिसके चलते ये सब कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। हमारे दुर्गेश भाई जो सर्व यादव समाज का जिले में नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे उपेंद्र यादव जी खिटवार यादव समाज से, गरीबा यादव जी झेरिया यादव समाज से, कंसु यादव जी कुसरिया यादव समाज से प्रमुख हैं, इन सब के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, उनको बधाई शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब आए थे और क्या कुछ सौगात देने की बात की, यादव समाज को आने वाले समय में किन चीज़ों की सौगात मिलेगी? मंगने की जरूरत नहीं है, जो समाज की मंशा है वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ राजनांदगांव में दो जगह, एक कौसरिया यादव समाज और सर्व यादव समाज का कार्यक्रम है, ऐसे में दो अलग अलग कार्यक्रम,
ये कुछ समय से चल रहा है, आगे एक हो जाएगा। हमारे साथ अध्यक्ष कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? कार्यक्रम भव्य और सफल रहा है, इसके लिए मैं समाज के सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद। आज राजनांदगांव में विशाल आयोजन, तीन दिवसीय सर्व यादव समाज का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में यादव समाज के सभी पदाधिकारी, अलग अलग फिरके के सभी लोग एक साथ एक मंच में ना केवल तीन दिन का आयोजन किया, शोभा यात्रा निकाली, मोटरसाइकिल यात्रा निकाली और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ रहा है, समाज के अंदर जागृति आई है और समाज शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। कृष्ण के वंशज ये समाज निश्चित रूप से एक शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में छत्तीसगढ़ और देश में है। निश्चित रूप से आज बहुत शानदार आयोजन हुआ, मैं समाज को बधाई दूंगा, विशेष रूप से मधुसूदन यादव जी। डॉक्टर साहब, झिरंग कांड की जो फाइल है वो आपके अटल पे है, कब सार्वजनिक होगी? विधानसभा में जिस दिन आएगा और विधानसभा की प्रक्रिया होगी, उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जब सत्ता आई है तब से पार्टी के लोग, रूलिंग पार्टी के लोग शराब के लेकर, पैसे के बंटवारे के लेकर आपस में लड़ रहे हैं। अभी जेल में कौन है भाई, डेढ़ डेढ़ साल जेल में कौन है, किनके खिलाफ पुलिस लगी है, किनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है, किनके कोयला और शराब घोटाले में नाम है, उस लिस्ट को एक बार भूपेश जी सार्वजनिक कर तो दें भाई, तब बीजेपी की बात करें। वो पहले तो वो पूरा मामला जो सामने आ रहा है, एक एक परत उतरता जा रहा है, देखना तीन महीने में और कितने नाम आएंगे। इसलिए इधर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, चार उंगली उनकी तरफ पहले से ही तनी हुई। जानता ही हम सबसे असफलता के कारण है, यदि जीवन में अधिकार के पक्ष है वो अज्ञानता के कारण है, और वही अज्ञानता कारण से हम भागे जाते हैं अंधविश्वास के पीछे। एक लोटा जल सब समस्या का हल, ले जाके जेल पति चटका दे का पास। उन्होंने हम वो बेल पति चढ़ाए रही थी इसमें, तो वो जज नहीं बने रही थी, पढ़ी मेहनत करी तब पर भगवान की कहूँ अंधविश्वास के पीछे जाए नहीं कहे, ज्ञान पूर्वक कर्म करेल कहे, अंधविश्वास के पीछे जाए नहीं कहे कृष्ण, देकर तुमन वंशज। तो आज हम लोग ज्ञान पूर्वक कर्म करना है, ये महत्वपूर्ण है।